सिर्फ डेढ़ पाव चिकन से हम तकरीबन तीस से पैंतीस रोल आसानी के साथ बना सकते हैं बसमान रहीम असल कैसे हैं जी आप सब तो मैं हूँ फ़िज़ा वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी डिफरेंट किस्म के ऐसे वेजिटेबल कबाब की रेसिपी जो कि खाने में तो टेस्टी है ही लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और कम टाइम में बनने वाले आपका कुछ बहुत ही मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा हो शाम की चाय के साथ या फिर आपको समझ ना आ रहा हो कि बच्चों को लंच बॉक्स में ऐसा क्या बना कर दिया जाए जो उनके लिए हेल्दी भी हो और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए तो ये बनाएं तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं अब इसमें लाहरमानी रही सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पाव चिकन बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पर अब इसको हम बॉइल कर लेते हैं दो गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसको हम बॉइल कर लेते हैं जब इसमें बॉयल आ जाएगा और चिकन भी तकरीबन हमारा गल जाएगा तब हमने चिकन की जो बोटियाँ हैं वो अलहदा कर लेनी है और जो यखनी होगी वो हमने इसी में रहने देनी है सिर्फ बोटियाँ अलहदा करेंगे और जिसके हम रेशे बाद में कर लेंगे ठंडा होने के बाद उसी कढ़ाई में मैं ऐड करती हूँ दो टेबल स्पून ऑयल के वन टी स्पून ज़ीरा मीडियम फ्लेम पर ज़ीरा को हल्का सा सोता कर लेंगे अब इसमें ऐड करूँगी वन टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको हम एक से दो मिनट के लिए सोते करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए अब मैं इसमें ऐड करती हूँ वेजिटेबल्स दो गाजरें ली हैं जिसको मैंने कटिंग कर लिया है वेजिटेबल्स की कटिंग भी आपने इसी तरह से करनी है सेम और इसके साथ मैंने लिया है तकरीबन दो शिमला मिर्च एक छोटा साइज़ का लिया है, बंद गोभी का और जो चिकन मैंने पहले से बॉयल करके रखा था उसके मैंने रेशे रेशे कर लिए हैं वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन यही सारी लेंगे तो आपके रोल्स इतने मज़ेदार बनेंगे और साथ ही साथ हेल्दी भी होंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो यखनी हमने बचा के रखी थी जिसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून फ्लोर के लाजमी ऐड कीजिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड कर सकते आप कॉर्नफ्लोर के बग़ैर पानी यखनी इसी में वैसे ही ऐड कर दीजिएगा लेकिन मैदा या इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं कीजिएगा नहीं तो टेस्ट इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अब मैं इसमें ऐड करती हूँ स्पाइसिस एक टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर का हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून नमक नमक की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं जो भी आप जितना भी आप खाते हैं और आधा टी स्पून इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर का वन टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि सब्जियों का भट्टा बन जाए हमने इसको खिली खिली से रहने देनी है फ्लेम को ऑफ कर देंगे इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून सोया सॉस और वन टेबल स्पून चिली सॉस और वन टेबल स्पून सिरका ये आप ना भी ऐड करना चाहे तो इसके बगैर भी आपकी स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार होगी बस हमने इसको थोड़ा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए ऐड किया है अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन दो से तीन बॉयल की है आलू आलू आप लास्ट में ऐड कीजिएगा इससे आपकी जो स्टफिंग है वो एक तो मज़े की हो जाएगी और दूसरी अच्छे से उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी वो टूटेगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आलू जो है वह बॉन्डिंग करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं दो से तीन आलू ले लीजिएगा ज़्यादा ना लीजिएगा तीन से चार हरी मिर्चें बरी कटी हुई इसमें ऐड करूँगी और लास्ट पर हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया ठंडी कर लेंगे और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि स्टफ़िंग हमारी अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अब इसमें ऐड करती हूँ ब्रेड क्रम्स तकरीबन पाँच टेबल स्पून मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स के ऐड किए हैं ताकि हमारे कबाब अच्छे से आपस में जुड़ जाएं और मज़ेदार से रेडी हो जाए हाथों को अच्छे से ऑयल से क्रीज कर लेंगे अब थोड़ी सी स्टफिंग उठाएंगे और इसको इस तरह से हाथों से प्रेस करके इसका एक लंबा सा रोल रेडी कर लेंगे रेसिपी इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो लाजवा पकवान को जरूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में और मुझे खूबसूरत सब प्यार से कमेंट कर दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें इसी तरह से सारे रोल रेडी कर लेंगे इसको आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप पंद्रह दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और एक पाव चिकन के साथ हमने देखे कितने ज़्यादा रोल रेडी कर लिए हैं अब इसकी कोटिंग को रेडी कर लेते हैं कि इसकी कोटिंग हम कैसे बनानी है तीन से चार टेबल स्पून में लेती हूँ यहाँ पर मैदे के और इसमें मैं ऐड करती हूँ पानी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि इसकी लई है हम इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं रखना मैंने यहाँ पर आधा कप लिया था पानी का और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी का पेस्ट रेडी कर लेंगे इस तरह से अब लेती हूँ मैं ब्रेड क्रम्स और जो हमने लई बना के रखी थी एक ब्रेड रोल लेंगे इसको पहले हम कोटिंग में डिप करेंगे उससे अच्छे से कोस्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छे से भर भर के हमने कोटिंग करनी है ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ब्रेड क्रम से हम कोटिंग इसलिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्नैक्स हैं हमारे जो रोल हैं वो क्रिस्पी से बने और क्रंची से बने सारे ब्रेड रोल की हम इस तरह से कोटिंग कर लेंगे और जो आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उसको आप किसी भी प्लास्टिक के बैग में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं बगैर कोटिंग किए सारे रोल्स की हम कोटिंग कर लेंगे और इनको किसी प्लेट में रखते जाएंगे चलें जी सारे जो कबाब हैं अब हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई एक पैन लेती हूँ जिस पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया अच्छे से हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनके अंदर जो कुछ भी ऐड किया है वो सारा कुछ पका हुआ है बस हमने जो इसके अंदर कोटिंग किया है इसके ऊपर उसको क्रिस्पी सा करना है उनको प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद हमने इनको निकाल लेना है ऑयल को आपने अच्छे से निकाल लेना है सारे कबाब सारे रोल आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं बच्चों को लंच बॉक्स में दें बहुत हेल्दी होते हैं इनके लिए जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते या फिर उनको पसंद ही नहीं होती लेकिन आप उनको सब्जियां खाना खिलाना चाहते हैं तो आप उनको इस तरह से बना कर दें यकीन करें बहुत पसंद आएंगे और आपसे रोज़ाना इसी को बनाने की फरमाइश करेंगे अगर आपने मेहमानों को यह खिलाया तो मेहमान आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर देंगे चलें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबाब या रोल बिल्कुल रेडी हैं आपको अंदर से इसकी लुक दिखा देती हूँ कि कितने मज़े के हमारे कबाब रेडी हुए हैं इसको आप केचप के साथ खाएँ चटनी के साथ खाएं या फिर आप उनको वैसे भी खा लें ये वैसे भी बहुत ही मज़े के हैं रेसिपी पसंद आई हो लाजवा पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को लाइक कर दें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे भी दो में याद रखिएगा टिल दैन अल्लाह हाफिज़ अल्लाबान